अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंसल्ट इज सडन बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज से मैं हूं फहद खोजा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में बैरिया स्काई मॉल की लोकेशन के ऊपर हैं और मेरे साथ ओजी डेवलपर्स के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मोहसिन साहब हैं। तो हमारे क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपको आइडिया कि जो भी लोग रियल इस्टेट सेक्टर में मोहसिन भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करें हमें उसमें कितना आरओआई मिल सकता है। तो थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को बैरिया स्काई के हवाले से बताइएगा कि इसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी अपार्टमेंट के अंदर या कोई कमर्शियल आउटलेट के अंदर, तो कितना ज़्यादा इसमें आरओआई है या एसेट ग्रोथ वो ले सकते हैं। थैंक यू फहद। मेरा ख्याल है आपके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ आजकल में या फेब में, मार्च, अप्रैल, मई, जून में इन्वेस्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। जो पिछले साल हमने अपार्टमेंट अपना अप्रैल मई में लॉन्च किया था 12,500 रुपये पर स्क्वायर फुट के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे अपार्टमेंट भी आपको पता है 80% सोल्ड आउट है। जो थोड़ी सी इन्वेंट्री हमारे पास बची है, लिमिटेड अपार्टमेंट्स बचे हैं, इस टाइम पे 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे वो सेल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 to 9 months के अंदर ऑलरेडी हमारी 15 to 18% एसेट ग्रोथ हो चुकी हुई है। और हम जो एज्यूम कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं कि हमारा जब तक ये बिल्डिंग कम्प्लीट होगी और हैंड ओवर होगी तो इंशाल्लाह ताला 100% एसेट ग्रोथ इसमें आपकी प्रॉपर्टी प्राइस में हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सच एज आपका अगर कोई भी क्लाइंट 80 लाख का, 90 लाख का अपार्टमेंट लेता है यहाँ पे बैरिया स्काई में, तो जब ये डिलीवर होगा आज से 3 साल बाद, क्योंकि 1 साल तो गुजर चुका है, तो इंशाल्लाह ताला वो अपार्टमेंट आराम से 1.25 करोड़, 1 करोड़, 60 लाख, 65 लाख का होगा, जो कि ऑलमोस्ट 80 to 100% एसेट ग्रोथ बनती है। इसी तरह कमर्शियल है, कमर्शियल में थोड़ी सी एसेट ग्रोथ ज़्यादा होती है। हमने पिछले साल यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो स्टैंडर्ड शॉप्स थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मेरा ख्याल है हमने शायद 35,000 या 40,000 पे शायद स्टैंडर्ड शॉप्स लॉन्च की थी, जिनका इस टाइम पे रेट अब स्टैंडर्ड शॉप्स का 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है। इसी तरह जो मेन बुलेवार्ड की शॉप्स थी वो हमने लॉन्च की थी 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर, आज वो अवेलेबल भी कोई नहीं है और रेट वहाँ पर 65,000 है। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि जी मेन बुलेवार्ड की कोई शॉप दे दें, लेकिन अवेलेबल नहीं है। ये फेसिंग हमारी जो 60 फीट रोड है, क्योंकि हमारा 2 साइड फेसिंग है, 60 फीट रोड के ऊपर हमारे पास टोटल 8 शॉप्स थी, जिसमें से 4 हमारी पिछले साल के स्टार्ट में ही सोल्ड आउट हो गई थी। 3 या 4 शॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं और वो भी इस टाइम हमारा जो बैक साइड फेसिंग 60 फीट का रेट है वो कोई 55,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। जी बिल्कुल मोहसिन भाई, हमने जितने भी अपने कस्टमर की इन्वेस्टमेंट करवाई थी, पहले 15% प्राइस इंक्रीज़ हुई, फिर 10% प्राइस इंक्रीज़ हुई और जनवरी मंथ में इस ईयर आपने दोबारा प्राइस इंक्रीज किया है। तो जितने हमारे कस्टमर हैं वो इस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और बड़े हैप्पी हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ मिली है। मोहसिन भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट करें, कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी और फिनिशिंग में कितना टाइम इसमें लग सकता है? फहद, जो हमारा प्लान था एक्सक्यूशन के टाइम, जब हम लोगों ने आपके साथ ये पहली वीडियोस की पिछले साल आजकल, तो हमने कहा था 48 मंथ्स का हमारा पेमेंट प्लान है और कंस्ट्रक्शन टाइम भी 48 मंथ्स है। अब उसमें से आप 11 टू 12 मंथ्स माइनस कर दें, पीछे हमारे रह गए हैं 3 साल रह गए आपके सामने हैं। जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है, जो हमने पिछले साल की कमिटमेंट्स की थी 100% ओन की, और पिछले साल के मिड में हम थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन से पीछे थे 10 से 15 दिन, जो कि हमने एडमिट भी किया था अपनी वीडियोज़ के अंदर, लेकिन उसको हमने कवर किया और साल के एंड में 2023 के एंड में हम अपने टारगेट से 3% आगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस साल का जो स्टार्ट है वो भी बड़ा अच्छा है, बड़ा स्पीडी स्टार्ट था। सिर्फ एक आपने देखा होगा, आपके क्लाइंट्स ने भी लाइव स्ट्रीम में, हमारी लाइव स्ट्रीम 24/7 चल रही होती है, जब साइट पे काम नहीं भी हो रहा था तब भी चल रही होती है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ने आपसे भी सवाल किया, आपने हमसे किया कि जी पिछले 9 दिन काम ही नहीं हुआ, काम बिल्कुल बंद था। जी बिल्कुल, काम बिल्कुल बंद था, आपको पता है, आप लोगों ने कवर भी किया था, बैरिया टाउन फेज़ 3 और फेज़ 4 में एक फूड फेस्टिवल चल रहा था जो कि बड़ा सक्सेसफुल गया और बड़े लोग आए, आपके क्लाइंट्स भी आए यहाँ पर, उन्होंने प्रोजेक्ट भी विजिट किया, उसकी वजह से बैरिया टाउन ने 7 डेज़ के लिए इंक्लूडिंग इलेक्शन हॉलीडेज, जो हमारी नेशनल ड्यूटी है, आपको पता है हर बंदे ने वोट डालना था, जो लेबर है यहाँ पे हमारी मोर देन 85 इंडिविजुअल्स डेली काम कर रहे होते हैं, उन वो ये सब होते हैं बड़े दूर दराज इलाकों से, इन्होंने अपने गांव जाना होता है वापस, जहाँ पे जाके ये अपने अपनी नेशनल ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और वोट डालते हैं। तो ये सारा एक्यूमुलेट करके 31 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक हमारी साइट तकरीबन 100% बंद थी, लेकिन अब आप देखें कि इस टाइम जब हम खड़े बात कर रहे हैं, आज 11 फरवरी है, हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है, आपके क्लाइंट देख रहे होंगे कि फुल फ्लो में हमारा काम आज से रिज्यूम हो गया। तो जो हमारा ये डिले है 10 दिन का, हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे और 4 ईयर्स का जो पेमेंट प्लान है इससे ऊपर नीचे हम अपने आप को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करेंगे कि जी हम महीना ऊपर कर लें, 6 महीने ऊपर कर लें, इंशाल्लाह 4 ईयर्स में इसकी डिलीवरी होगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बैरिया स्काई के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो हमने मोहसिन भाई से डिस्कस किए। मोहसिन भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो
व्यूअर्स, जैसा हम आपको बताते रहते हैं कि इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड फेस फोर बैरिया का बहुत बड़ा कमर्शियल अब बनने जा रहा है और ये बैरिया ऑर्चर्ड फेस फोर की बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर बन रहा है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है। टावर के नाम देख सकते हैं जो यहाँ पे वर्किंग कर रही होती है और बड़ी स्पीड के साथ इस टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड फेस फोर में बहुत ही ज़बरदस्त एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इस टाइम अपार्टमेंट्स के अंदर, कमर्शियल आउटलेट्स के अंदर बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो आप बहुत ज़्यादा इसमें रेंटल इनकम ले सकते हैं और कल को जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे कोई भी अपार्टमेंट या कमर्शियल आउटलेट को, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप बैरिया स्काई में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी डिटेल्स लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर शेयर होगा 0333314300। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।